जा देखो तो भैया कितने भयानक तरीका से सामान धरो जा रहे हो। का इतने देखियो इतने हे पिकनिक पे नहीं जा रही तुम, ठीक है तुम पिकनिक पे नहीं जा रही क्या, तुम घूमने नहीं जा रही फ्रांस मरांस। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो अभी सुबह के आप देख सकते हैं 8:30 बज रहे हैं। तो हमने पापा को पराठे बना के दे दिए, चाय भी बन गई और सलोनी वहाँ किचन में सब्जी काट रही है और अभी तो अभी सो के उठे ही नहीं है। गुड मॉर्निंग राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे राधे। क्या कर रही? आलू छील रहा। तो देखो सलोनी कर रही है सब्जी की तैयारी और हम वहाँ पराठे बना के फिर हम रोटी बनाएंगे। यहाँ चाय भी बन गई। तो गाइज देखिए हमारे पराठे बनने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ पापा को भी दे दिए क्योंकि पापा को बाहर जाना है। देखिए बन गए, अब देते हैं सलोनी को। लो देख, ले लो जो रख लो उसमें। अरे ले लो जो, एक ले लो, 3 फुट का बनाओ जो हमने। गाइस हमारे तो जो है सब जने गोल पराठे खा ले, लेकिन 3 फुट के पराठे खा तो हमारे भैया। देखो सलोनी दूध भी गरम कर रही है और चाय भी पी रही है। और ले लीजिए चाने आए तो। रात को भूख लगी आई थी। वही तो रात के जी हम 12 बजे तक एक और ब्लाउज बनाते रही, पता जी भूखी पड़ी रही। और 2:30 बजे रात के हमने रोटी बनाई थी, इन्हें भूख लग रही थी। सो पापा कहाँ जा रहे? गुड मॉर्निंग राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे राधे। पापा जा रहे हैं कुलदीपता के पास, हमारे गांव ततारपुरा। पापा को कुछ काम है, कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ले हो जो, एक और ले लो। अब नहीं लेने से का है? अब फर्क है, अब 4 खा ले कलेऊ होगा सीधो। तो गाइज कलेऊ हमारे थे, कलेऊ कलेवा हमारे थे सुबह के ब्रेकफास्ट को बोलते ही। हमारे गांव में जब दूध में मिड़ के रोटी खाते ना तब कहते कलेऊ होगा। का है? हम तो अब भी खाते दूध में। हैं हाँ, तो सलोनी कह रही है अब नहीं खाना, सीधो सीधो कलेऊ होगा हमारा। चाची आपके फैन का मेरे पास फोन आया था। है, अच्छा हाँ। तुम्हारे पास कहाँ से आओ? रवि चाचा ने इंस्टा पे मेरी आईडी। अच्छा तुम्हारे चैनल के बारे आईडी के बारे में बोलो तो तुम्हारे इंस्टाग्राम पे आओ। तो क्या कह रहे थे वे? एक हिमाचल प्रदेश से आया था कल शाम को। हैं, तो तुमने बोला था कि हमारे चाचा को ऐसे सपोर्ट करते रहो। है रणबीर को भी सपोर्ट करो जी, अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा है। क्या रणबीर? वहाँ देखो सलोनी कपड़े धो रही है और यहाँ हम रोटी बना रहे हैं। तो देखो मम्मी नहा के मंदिर से आके अब हो रहा मम्मी को ब्रेकफास्ट। हुई मंदिर? हाँ। गुड मॉर्निंग राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे राधे। देखो मम्मी हमसे तो गुड मॉर्निंग बोल रहे, देखो उनसे नहीं बोला। तो मम्मी को जी है पराठे और चाय। अब नहीं राधे राधे। आज संडे है इसलिए अबनी हमारे घर आ गई है, नहीं तो जी अबनी हमारे घर पे आती ही नहीं है। क्यों अबनी, क्यों नहीं आते वो हमारे घर पे? अच्छा क्योंकि हम खाना खाते इसलिए नहीं आते। देख लो भैया जी दिन भर खाना खाती रहती। देखो तो कितनी नींद आ, जब देखो नेहासु को नींद ही नींद आती, नींद ही नींद आ। आज पितृपक्ष का लास्ट माह दिन है, 16वां दिन है। तो आज गई है माता, देखिए हमारे घर पे आई है। मम्मी ने रोटी खिला दी उसको, तो कितनी खुश हो गई है। गाइज और अब बना रहे हैं हम सब्जी और यहाँ देखिए भजन भी चल रहे हैं, तो मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। जब भजन चलते रहते तब मुझे पता ही नहीं चलता मेरा काम कब हो जाता। भजन चलते रहे तो मैं काम कितना भी काम करती रहती मुझे पता ही नहीं चलता, मैं थकती भी नहीं हूँ कुछ। तो मेरा सारा काम हो गया है और अब बस बर्तन धुलने के लिए रह गए, तो वो भी धुलूंगी। फिर इसके बाद जा रही मैं डॉक्टर के पास। सलोनी बना रही है हमारा एक और ब्लाउज, तो हमने कहा हम काम करे ले रहे तुम बना लो। गाइस देखो इन्हें पता नहीं है कि हम वीडियो बना रहे तो गाइज इन्हें पता नहीं है तो कि हमने वीडियो बना ली, हमने पीछे से वीडियो बना ली। तो काफी मस्त डांस करती, एक तो अच्छा तो हमें भी नहीं आता ही करो। ए भी उठ गए हैं और ये तो नहा रहे हैं अभी और मैं कर रही हूँ अपना लंच। देखिए कितने बज गए, 11 बज गए, तो मैं करती हूँ अपना लंच। अब हम इनके कपड़ा धो के डारवे जा रहे हैं छत पे, जो कि पूरे कपड़ा धुप गए अब इनने अबे निकाले, तो अब हम अबे जा रहे डाल। अच्छी खासी धूप निकली आज।
तो गाइस हम हॉस्पिटल के लिए तैयार हो गए हैं, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो देखिए बताना लुक कैसा लग रहा है। और ये साड़ी मम्मी रात के लाई थी और ये ब्लाउज भी लाई थी रात के, तो सलोनी ने रात भर में साड़ी तैयार कर दी और ब्लाउज भी बना दिया। और कमेंट करके बताना हम कैसे लग रहे हैं। सड़ी सी लग रही। और तो भैया तुम और देखो पहले हमारे फोन में कितने बज गए, 12:19 हो गए। अब तुम इन्हें देखो उठे सीधे और बॉडी बनाने लगे। और इनकी बॉडी रोजीना बनत नहीं है, दसरा दिवारी इनकी बॉडी है बनती। भाई मैं जो खुश हो जाए फूल के कुप्पा हो जाए, हम तो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हो, भंसाए से नहीं उठते। मैंने बोली तो बोली नहीं है, लेकिन तुम्हें रोजीना करने चाहिए ना। 12 जो उठ रहे हैंगे देख लो। गुड मॉर्निंग राधे राधे। गुड मॉर्निंग राधे राधे, कैसे हो आप सब, कमेंट करके बताइए। मैं सोचूं कि जा इतनी बात कहां से आ रही। देखता देखता बब्बा नाव बनो फिर रहा, बब्बा सेंट लगा रहा, नाव लोंडा बनो फिर रहा बब्बा। बब्बा बनाकर बब्बा ने बॉडी दिखा दी ना, देख तो बब्बा की बॉडी, पेट तो जा रहा बम्बई को। पुचका ला देखा तो पूरा पुचका ला वो अलग दिखा दवा था। बाबा मैग्नेट को बाबा पुरानो है, से पुरानी कंपनी को सेंड डाल रहा बाबा। चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल। हाँ I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. Part of me wish that we never met, but you act like we never got too wasted in the bathroom of your parents' house. जय गोपाल जय गोपाल। देखो भैया जी बहने हने चार बजे जा रही। गाइस हम लोग अस्पताल आ चुके हैं और देखो आज तो बहुत ज्यादा भीड़ है, कितनी सारी गाड़ियां रखी हैं। कहे आज इतनी भीड़ है, कब तक आया नंबर, शाम तक नहीं, हमें दौड़ नहीं जा रही है। संजय हो जाना आज, चलो बैठेंगे बोर होंगे अब अंदर। नंबर तो लग चुका है, भीड़ देखो कितनी है आज, क्योंकि दो दिन से मैडम थी नहीं। अरे भंडारों खिलाना है तेज। इस दवाई ले ली है सामने से, काफी टाइम हो गया, 3 बज चुके हैं। साधना को करवानी है वैक्स, तो साधना यहाँ ब्यूटी पार्लर पे रुक गई है। मैं चला जाऊँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे। रणवीर मिल गया, देखो रणवीर डांस कर रहा है, रणवीर खुश है, कह कि रणवीर के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ गए। कितने हो गए अब, 130 से ज़्यादा हो गए। साधना तो रुक गई है पार्लर पे और मैं आ चुका हूँ घर पे। सो आज काफ़ी धूप थी, गर्मी थी, घर पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी कुछ दिन से मैं लगातार इस समय सो जाता था, लेकिन आज नहीं सोना है मुझे, क्योंकि आज मेरा सिर बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। और अब दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोना है। आप लोग भी अगर दोपहर में सोते हो तो मत सो, दोपहर में नहीं सोना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आराम करना है, शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट है, तो थोड़ा बहुत आराम कर लो बस, वो भी थोड़ा बहुत एक आध घंटे का, ज़्यादा नहीं सोना है, नुकसान करता है हमारी हेल्थ के लिए। क्योंकि दिन में सो लेते हैं फिर रात को नींद नहीं आती है, और रात होती है सोने के लिए, इसलिए दिन में मत सो। देखो बताए फिर वो नहीं है, जितना हम मर जाए उतना का करो। काहे तुम काहे मर जाओ भैया। नहीं हम तो कम से कम अपने हाथ से तो लेके खा ही सकते ही रोटी। अरे तो क्या हो गया, बनी नहीं धरी, क्या बज गए, 5 बज भी बाए हैं। तो गाइस साधना आ चुकी है पार्लर से और देखो चिल्लाने लगी। साधना आ गई, मैंने खाना नहीं खाया तो साधना को खाना मुझे देना पड़ा। अरे देवे की बिनी पी उल्टी बात है ना, धाने गए सासी बात कहेंगे है। खाना साधना को मुझे देना पड़ा, तो साधना को देखो कितना गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, चलो देवे की वजह से नहीं आ रही, इसी आ रही कि टाइम से खाता ही पिया तो नहीं है। तो तुम हते ही नहीं करे, तो हम नहीं हते तो तुम इतने कहीं नहीं खा सकते कि अपने हाथ से लेके खा लो। अरे तो का होगा, बने रहो भूखे। सो चलो जो का कर दो तुमने, बगरा कैसे था गई मैं पूरे हाथ का लोग बगरा। तो चलो गाइस सब्जी खाई की है, आलू की, तो आलू की सब्जी है, रोटी है। तो चलो करते हैं अपना लंच शाम के 5 बजे। तो गाइस मम्मी दोनों हाथों से मिठाई खा रही, एक हाथ से नहीं खा सक रही, दुनिया से जल्दी जल्दी ज्यादा खा लेंगे गाय। आधा किलो का डिब्बा तो मम्मी ने देखो पूरी खा लेंगे, सही है। अब इकट्ठी पहले खा लो फिर हाथ बाद में चाट लियो। मम्मी तो काम करे जब नीगत के, मम्मी तो काम काय करे, मम्मी आई बहुत काम भी करते ही लियो, ठीक है। यहाँ पे पापा का चल रहा है डिनर,
पापा की ना दाढ़ दर्द कर रही है और पापा दवाई लेकर आए और देखो लड्डू भी खा रहे हैं। देखो इसमें से मैंने मना भी किया, अब तुम आराम कैसे पड़ रहे तुम्हें? मीठे से सही हो जाए। मीठे से सही हुए, देख लो अब लोग। यहाँ पे मम्मी और साधना, यहाँ पे सलोनी, तो इन लोगों की चल रही है बातें। कल से कहा स्टार्ट जो होता है भागवत, कल से श्रीमद भागवत पुराण स्टार्ट है। कल कलश यात्रा है, कहाँ पर है कलश यात्रा? कल कुलदेवता। और भागवत कहाँ बैठ रही है? ततारपुरा। हाँ, तो ततारपुरा में ही हमारी भागवत बैठ रही है, जहाँ पे हमारे कुल देवता है। कल सुबह निकलना है जल्दी से अपन को ततारपुरा। जल्दी से सो जाओ, सो जाओ जल्दी से। अभी देखियो 2:30 बजे मांग रहे रोटी किने? मांगे तो हमें बुला दी, तो हम अच्छे धरे तो सीधे हो जाए। रोटी बनवाई थी, पूछो। अरे तो हमें भूख नहीं लगी, रात के 2:30 बजे। कौन सा टाइम है 2:30 बजे? रात के 2:30 बजे भूख लगत मुझे तो, सही में। इस कल से हमारे यहाँ भागवत बैठने वाली है, मतलब घर पे नहीं, जहाँ पे हमारे कुल देवता है ततारपुरा MP में, तो वहीं पे ही, प्रीतिपुर के पास में ही है, प्रीतिपुर से थोड़ा ही सा पास में है ततारपुरा, तो वहीं पे ही हमारी भागवत बैठ रही है कल से। सो कल से 7 दिन हमें वहीं पे ही रहना है, अपने कुल देवता के पास वहीं पे मंदिर पे ही रहना है और वहीं पे ही भागवत सुननी है, वहीं पे आपको ही भागवत सुनवाएंगे। कल से नवदुर्गा भी स्टार्ट है और कल से हमारी भागवत भी बैठ रही है 7 दिनों तक। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का चल रहा है मैच, ऑस्ट्रेलिया के 117 पे 6 विकेट हो गए 14 ओवर में। फोन में देख रहा हूँ मैं तो मैच आराम से बैठ कर यहाँ पे। देखो साधना कल के लिए पैकिंग कर रही है, बैग वैग में देखो कपड़े वपड़े रख रही है। हमारी भी दल्लियों का छू कपड़ा वपड़ा है तो नहीं है, तो का मौका नहीं रहना होता तुम तो कह रहे हम तो घरे। तो यार मुझे वीडियो अपलोड करके आना पड़े ना। हाँ तो बस तुम्हें क्या करना, एक जोड़ी भंसाएं पे जाएंगे और बस लिंडू में भगे आएंगे है? और क्या करना, सही है। तुम कम से कम 2-3 घंटा से तुम मैच में घुसे। हाँ। जब से तुम वीडियो एडिट कर लेते का जाना नहीं है तुम्हें जल्दी। अरे यार तुम एक बात बताओ, तुम जब भजन सुनते तुम्हें आनंद आत भजन सुनवे में? हाँ। आनंद आत के नहीं जो बताओ, तो ऐसे मुझे क्रिकेट देखने में आनंद आत। सही बताऊ मन ना टेंशन रहता दिमाग में, जो भी में टेंशन दूर हो जाता। और उसी पे आज सोने पे सुहागा क्या हुआ, आज इंडिया मैच भी जीत गई, सीरीज भी जीत गई, बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। वीडियो एडिट कर रहा हूँ अब, मैं कर तो रहा हूँ। अब सो जाऊंगा थोड़ी देर बाद, कर रहा हूँ सबेरे उठ जाऊँ, का करना तुम्हें जल्दी उठ जाओ सबेरे जाऊँ जल्दी। देखो तो भैया कितने भयानक तरीका से सामान धरो जा रहे हो, का इतने देखियो सकल इतने। हे पिकनिक पे नहीं जा रही तुम, ठीक है तुम पिकनिक पे नहीं जा रही, क्या तुम घूमने नहीं जा रही फ्रांस में? फ्रांस ऐसे नहीं पहरा हम, साड़ी साड़ी वाली बात नहीं है। साड़ी पहनो तो साड़ी को मैचिंग को ब्लाउज चाहिए, साया चाहिए, चूड़ी चाहिए, कंगन चाहिए, कचूनी चाहिए, तुम्हें चाहिए ये सब चीजें, ठीक है। सूट पहनो बस, दो चूड़ी डालो, एक कंगन डालो और राम राम। नॉर्मल जैसे तुमने कौन साड़ी पहनी, जरूरी नहीं है बाकी मैचिंग की चूड़ियां भी पहनो। ऐसे कैसा नहीं, ऐसे कैसे तुम्हें बनना है स्टाइल, तुम्हें तो स्टाइल दिखाना है। और 2 टाइम कथा होने, हम 2 टाइम बदल बदल के पहन के ना जे, देख लो अब। देखो गाइस जी कितने भयानक तरीके से तैयारियां कर रही, 7 दिन की, साड़ियों का जो कलर होगा उसी कलर की चूड़ियां रख रही, देखो। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग को खत्म। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, राधे राधे। तो हाँ गाइस कल से हमारे यहाँ भागवत बैठने वाली है।